हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए हैं। क्या बता सकते हो ये क्या है? चलिए दिखाते हैं आपको। तो हमारी मम्मी निकल पड़ी है हमारे बागान पे। तो ये बागान किस चीज़ का है, आइए देखते हैं। तो ये हमारा कोचू का बागान है। तो यहाँ से मम्मी फ्रेश ताज़े ताज़े कोचू के साग को काटने वाली है। तो ये देखिए, मम्मी ने ऑलरेडी कोचू साग काटना शुरू कर दिया है। तो अब हम जल्दी से चलते हैं, क्योंकि हमें इसे धो करके पानी झरने के लिए आधे घंटे तक छोड़ देना है। तो पानी झर के ऑलरेडी तैयार हो चुका है, अब हम इसे काटना शुरू करते हैं। इसके ऊपर का जो स्किन है उसको हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद हमें इसको छोटे छोटे डाइसेस में काट लेना है। ये देखने में तो बहुत ज़्यादा लग रहा है, बट जब काटने के बाद हम इसे बॉईल करेंगे तो एक्चुअल क्वांटिटी का 1/4 हो जाएगा। তাহলে আপনারা জানলেন লাল কচুকে কি বলা হয়, সোনা কচু। আর এটা কি আছে, একটা সাদা কচু, আর একটা সাদা কচু। তো ये কচু দু টাইপ কা হতা হে, সোলা কচু আর সাদা কচু। তো কচু কাট চুকা হে, বালটি ভি ভর চুকা হে। চলিয়ে কিচেন পে চলতে হে। তো সবসে পহলে প্রেশার কুকার মে কটে হুয়ে কচু কে সাগ কো ডালনা হে। ফির বেঙ্গল গ্রামস কালা চনা হতা হে, उसको हमने पहले से भिगो के रखा है, वो भी उस प्रेशर कुकर में डाल देना है। अब 2 चुटकी नमक डालेंगे ताकि हमारा कोचू का जो साग है वो जल्दी से गल जाए। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब प्रेशर कुकर को बंद करते हैं और हाई फ्लेम पे गैस ऑन करेंगे और इंतज़ार करेंगे 1 सीटी आने तक। तो हमारा चना और कचू अच्छे से पक चुका है, अब हम इसे स्ट्रेन कर लेते हैं। चलिए अब बनाने की विधि स्टार्ट करते हैं। मेरा फोरन तैयार है। चलिए, तो सबसे पहले हमने कढ़ाई में तेल लिया, उस पर 5 फोरन डाला, सूखे हुए लाल मिर्च, तेज़पत्ता डालकर अच्छे से हिलाना है। तो जैसे ही ये लाल हो जाता है कटे हुए हरे मिर्च डाल देंगे, 2 हाथ अच्छे से भूजेंगे और इसमें नमक डालेंगे ताकि मिर्ची के जो दाने होते हैं वो छिटक छिटक के ऊपर ना आए। 2 हाथ अच्छे से फिर से भूजना है और फिर हल्दी डालकर हिलाए। अब हम इसमें धीरे धीरे करके हमारा उबला हुआ कचू का साग और जो चना था वो डाल देंगे। इसे अच्छे से मिलाते रहें। अब आप देख पा रहे हो कि तेल पूरा ऊपर तक आ रहा है और ये धीरे धीरे अच्छे से पक रहा है। इसमें हम 2 चुटकी चीनी डालेंगे एक हल्का सा मीठापन के लिए। फिर हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ऊपर से थोड़ा सा देसी घी डाल देंगे। तो अब ये तैयार है। अब हम गैस ऑफ करते हैं और इसे निकाल लेते हैं। करते हैं, आपको ये रेसिपी पसंद आया होगा, आप इसे ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें,
शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।